झिलमिलाने लगा तो मैं 8:45 बजे गए, सनी कोई गाड़ी आएगी जो झिलमिलाएगा, तुम आके करते हो टीवी भी तो आके बैठो मेरे पास। बस यही बात आए बैठे थे ये लोग, सब लोग को लेके बैठे थे। तो अनुपम कह रहे हैं सर कुछ बनवाइए, 9 बज गया नाश्ता, के हाँ ऐसा क्या बन खाएंगे आप लोग, बोली चाय बिस्किट क्या खाना चाहते कुछ, ये तो हलवा बनवाते हैं सब लोग की ड्यूटी बारी, 3 लोग आए हैं ड्यूटी लगी है बारी लोगों की। इसके बाद ये उनको पैसा निकाल के ला के दे रहे हैं जैसे है, तो अंदर से देख रहे हैं कि एसडीएम की गाड़ी आ गई है। हमने कहा सब लोग ऐसे खड़े रहो कोई जाएगा नहीं। पता नहीं कैसे सर कब ये औरत लेडीज सब सीधे पुलिस वाले जो लेडीज थे सब मेरे कमरे में घुस गई, और ये पता नहीं कब जाके डर से अंदर जाके बैठ गए दोनों मेरे कमरे में। अब ये जाके पूरा सामान ऐसे ऐसे सारा फेंकना ओकना करना और चिल्लाने लगे सब। किसने फेंका सामान? सब पुलिस वाले, सब सामान महिला पुलिस थी, दोनों ने सामान उठा के पूरा फेंकना शुरू करा। मेरे किचन का गैस, मेरा चावल आटा दाल कनस्तर उठा के सब ऐसे फेंकने लगे। तब एसडीएफ सब पीछे पीछे गए, सर आइए चिल्लाने लगे। तो वो मुझे ऐसे ढकेल दिए, जब ढकेली तो हम ऐसे चुपचाप हम कह रहे रही कौन चीज क्या पाई है आप क्या पाई है। तो मेरा कोई भी सामान सर होता तो हम फाड़ देते जो रद्दी, जैसे पेपर था बच्चों का तो ये कागज था, पेपर बी कॉपी थे उसको मैंने फाड़ दिया, रद्दी यहाँ पड़ी हुई है तो वही मेरे बिस्तर पे ऐसे ही था। ये लोग उठाए हाथ से लग रहा लेकर चले गए। दीजिए देखिए क्या आप पा गई है, देखिए क्या आप पा गई, हम तो देखे जब हम सब उसके बाद एसडीएम सब आए और हमको कहे कि तुम निकल जाओ भागो यहाँ से, गाड़ी पर बैठो इनको, गाड़ी पर बैठो इनकी गाड़ी पर बैठो। तो एसडीएम साहब ये पुलिस एसओ साहब नहीं कुछ बोल रहे थे, एक था तो एक लोग थे तो ये उठा के मेरे पीछे आगे पीछे एक दो पुलिस लगा दिए, मुझे अंदर जाने नहीं दिए, सब बाहर बैठा दिए सब, मुझे अंदर किसी तरह से नहीं जाने दिए। हम एसडीएम साहब से बात कर ले, हमको बात कर लेने दीजिए, हम एसडीएम साहब से बात कर ले, हमको बात कर लेने दीजिए। वहाँ औचक निरीक्षण किया गया, महिला कांस्टेबल और महिला लेखपाल भी साथ में थे, क्योंकि महिला प्रधानाचार्य वहाँ स्टाफ ज़्यादा महिलाएँ थी। तो वहाँ पर देखा गया कि जहाँ पर रखा जाता था सामग्री सारी चीज़ें, तो वहाँ पर दो व्यक्ति वहीं के जो है, एक सन्नी पाठक और एक मधेसिया जी थे, अनुपम मधेसिया, उन्होंने जो है उनके हाथ में कापी और हाई स्कूल की गाइड जो गणित पेपर का था उसमें वो मिला है और वो कापी लिख रहे थे सब। वहाँ पर जब महिलाएँ द्वारा चेक किया गया तो वो कापी फाड़ दिए और उसके बाद जो है वो लगे बाहर निकालने का कार्रवाई। इसमें मैंने फर्द काम बना दिया है, DY साहब को और JD साहब को, जिलाधिकारी महोदय को सूचना अवगत करा दिया गया है और वो DY साहब के माध्यम से FIR दर्ज कराया जाएगा।